एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज प्रीत तिवारी और मेरे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली फुल ग्रोथ वाले आईब्रो के कट आईब्रो को सही शेप कैसे दे, जैसे उनका आईब्रो और फोरहेड एकदम मिक्स हो रखा था, बहुत ज़्यादा हेयर है इनके और बहुत ही घने हैं, बहुत ही हार्ड हेयर हैं। तो फोरहेड और आईब्रो को कैसे थ्रेड के जरिए आप सही शेप दे सकते हो, तो चलिए वीडियो एंड तक देख लीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इनका फाइनल लुक मैंने वीडियो के एंड में दिखाया हुआ है। तो इस तरीके की अगर आईब्रो आपके पास भी आ जाए और आप आईब्रो बनाने में कंफ्यूज रहते हो तो आपको ये वीडियो देख के काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो वीडियो एंड तक जरूर देख लीजिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और इससे छोटी सी रिक्वेस्ट है इससे पहले कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और हाँ, मैं सुबह डेली 9:30 बजे लाइव आके पार्लर का काम सिखाती हूँ, तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। और मेरा एक और चैनल है इंडियन यूट्यूबर प्रीत तिवारी, जिसपे मैं ब्लॉगिंग वीडियोस डालती हूँ, अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो उसको भी जाके देख लीजिएगा। और कटिंग स्टिचिंग की वीडियो डालती हूँ, कपड़ों की, ड्रेस डिजाइनिंग की। तो चलिए ज़्यादा बातें हो गई, अभी वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा घनी और मोटी आईब्रो की को सही शेप कैसे दें, तो चलिए थ्रेडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे सूखा पाउडर, कोई भी सूखा पाउडर हो वो आप यहाँ पे लगा दीजिए। और मिंट वाला पाउडर होगा तो उससे मतलब थोड़ा सा पेन कम होता है, तो आप मिंट वाला पाउडर, जैसे मतलब कूलिंग जिसमें इफेक्ट होता है ना, वो वाला पाउडर लगाएंगे तो ज़्यादा फ़ायदा करेगा आपको, मतलब पेन कम होगा उससे, तो आप वो वाला पाउडर लगाएगा। देख सकते हैं इनकी ग्रोथ कितनी ज़्यादा, इनके फोरहेड और आईब्रोज पूरा मतलब बाल बहुत ज़्यादा है। तो इस तरीके की फुल ग्रोथ वाले आईब्रो की थ्रेडिंग और सही शेप कैसे दें आपको ये वीडियो देख के पता चल जाएगा। तो ये देखिए, मैं पहले बीच से हेयर को रिमूव कर रही हूँ। जब तक बीच में अच्छे से क्लीन ना हो जाए तब तक आप अच्छे से क्लीन करोगे। तो ये मेरा लगभग क्लीन हो चुका है और अभी हम लोग थ्रेडिंग स्टार्ट करेंगे। तो बीच से क्लीन होने के बाद से आपको ऊपर से सही शेप देनी है एक, तो ऊपर से आपको कभी भी एक्स्ट्रा हेयर नहीं निकालना है, सॉरी ज़्यादा हेयर नहीं निकालना है, ओनली एक्स्ट्रा हेयर होता है उतना ही निकालना है, जो एक्स्ट्रा दिख रहा है शेप से उतना ही हेयर आपको रिमूव करना है, जितना आपको एक्स्ट्रा दिखे, बिल्कुल भी अपने आप से ज़्यादा नहीं निकालना, नहीं तो आपकी आईब्रो नीचे की तरफ झुकी झुकी सी दिखेगी और आईब्रो को सही शेप नहीं मिल पाएगा। तो इस तरीके से जो आपको एक्स्ट्रा लग रहा है, जो आपको शेप देनी है उससे एक्स्ट्रा लग रहा है, बस उतना ही हेयर रिमूव कीजिए। तो ये मैंने ऊपर के हेयर को रिमूव कर लिया है और अभी फोरहेड के भी हेयर को साथ साथ में ही रिमूव करते जाऊंगी। इनके फोरहेड पे भी बहुत ज़्यादा हेयर है और कस्टमर को अगर बहुत ज़्यादा पेन फील होता है तो उसको आप आइस स्कूप होता है ना, आइस मतलब बर्फ़, उसको रब कर दीजिए और फिर सूख जाए तो आप थ्रेडिंग कीजिए, तो उनको पेन कम होगा। ओके, तो ये मैंने ऊपर से हेयर को रिमूव कर लिया है धीरे धीरे। तो पूरा ऊपर से फोरहेड पे भी मैंने हेयर को रिमूव करते जा रही साथ साथ में ही, ताकि बाद में ना बनाना पड़े। तो जब आप ऊपर से फोरहेड और ऊपर की आईब्रो को अच्छा सा शेप दे दोगे, उसके बाद से आपको कस्टमर को बोलना है कि वो ऊपर नीचे आईब्रो को अच्छे से स्ट्रेच करे, मतलब खींचे। ओके, तो मैं पहले फोरहेड के हेयर को अच्छे से क्लीन कर ले रही हूँ। अभी इस तरीके से कस्टमर को बोलना है कि आप इस तरीके से खींच लो, उसके बाद से नीचे से आप एकदम हल्के ऐसे, बिल्कुल भी धागे को ज़्यादा स्किन पे रब नहीं करना है। ज़्यादा अगर आप स्किन पे दबाव डाल के और आईब्रो बनाओगे तो आपका स्किन कट सकता है और आपकी आईब्रो की शेप भी बिगड़ सकती है। तो ज़्यादा स्किन पे रब नहीं करना, इससे कस्टमर को भी पेन बहुत ज़्यादा फील होगा। कितनी भी घनी ग्रोथ हो, आप एकदम हल्के हाथों से थ्रेडिंग करो तो कस्टमर को पेन कम होता है। ओके, तो ये देखिए फ्रंट से मैं इस तरीके से हेयर को रिमूव करते चल रही हूँ, एक अच्छी सी लाइन देते हुए आईब्रो को। ओके, इस तरीके से आप हेयर रिमूव करोगे जैसे मैं कर रही हूँ, स्किन में बिल्कुल भी धागे को रगड़ना नहीं है, तो कस्टमर को पेन कम फील होगा, उससे वो हिलाएगा नहीं थ्रेडिंग को, जिससे आपको आईब्रो बनाने में बहुत आसानी होगी। ओके, तो इधर का शेप लगभग हमारा कंप्लीट होने वाला है, जो भी एक्स्ट्रा लग रहा है उसको मैं रिमूव कर रही हूँ साथ साथ में। अभी और भी कस्टमर आके बैठे हुए हैं तो उनका भी बनाना है, इनका मैं बनाने के बाद से उनका बनाऊंगी। इनका बहुत ज़्यादा मतलब ग्रोथ था तो थोड़ा मैं मोस्टली आईब्रो 2-3 मिनट में, या फिर बहुत ज़्यादा हो तो 5 मिनट में कम्प्लीट कर लेती हूँ, बट इनका आईब्रो बनाने मुझे 7 से 8 मिनट लग गया था। तो ये देखिए मैंने इनके आईब्रो को शेप दे दिया है,
और अभी दूसरी वाली आईब्रो को भी सेम इसी तरीके से शेप देंगे। और जो हमारा नोज के पास का हेयर होता है वो अक्सर हमारा छूट जाता है, तो वहाँ पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। और इस तरीके से खिंचवाएंगे आईब्रो को ऊपर से, और जो आपका फ्रंट एरिया का छूट गया था आप दूसरी साइड से ईजिली यहाँ के हेयर को रिमूव कर सकते हो। ओके, तो ये मैंने रिमूव कर दिया। ओके, अभी दूसरी साइड के हेयर को रिमूव करेंगे। तो नोज के पास के हेयर को अच्छे से क्लीन कर ले रहे हैं। मैं थ्रेडिंग अक्सर जो एक्स्ट्रा हेयर होता है उसको लास्ट में कट करती हूँ, बट अगर आप सीख रहे हो तो आप पहले कट कर लो, उससे आपको आईब्रो बनाने में आसानी होगी। तो यहाँ पे देख सकते हो इनके फोरहेड पे भी कितना ज़्यादा बाल है। तो पहले मैं ऊपर से अच्छे से शेप दे रही हूँ आईब्रो को, बिल्कुल भी ज़्यादा हेयर नहीं निकालना, ओनली एक्स्ट्रा हेयर जो कि आपको शेप देनी है उससे जो एक्स्ट्रा दिख रहा है बस उतना ही हेयर आपको रिमूव करना है यहाँ से। ओके, फुल फेस थ्रेडिंग की भी वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, फुल फेस वैक्सिंग की भी वीडियो अपलोड कर रखी है। तो जो मतलब बार बार मुझसे बोलते हैं, प्लीज़ वीडियो अच्छे से देखा कीजिए। आप रेगुलर ही बने रहोगे तभी तो आपको पता चलेगा कि मैं वीडियो डाल रही हूँ या नहीं डाल रही हूँ। तो प्लीज़ चेक कर लीजिएगा जिसको वैक्सिंग और थ्रेडिंग देखनी हो फुल फेस की। तो इस तरीके से इनके हाथों से ऊपर के बालों को पकड़वा के और फोरहेड के सारे हेयर को धीरे धीरे रिमूव कर लूँगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे, अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और प्लीज़ सपोर्ट मी गाइस। और मेरा एक और चैनल है इंडियन यूट्यूबर प्रीत तिवारी, जिस पर आपको मेरी ब्लॉगिंग वीडियोज़ और कपड़ों की कटिंग स्टिचिंग की वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो प्लीज़ वहाँ पर भी जाके देख जरूर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही हार्ड हेयर थे इनके फोरहेड पे भी। जब आपको लगे कि फोरहेड और ऊपर के आईब्रो को अच्छा सा शेप मिल गया है तो आप कस्टमर को बोलोगे कि वो ऊपर से और नीचे से आईब्रो को अच्छे से स्ट्रेच करें, कि जितना तेज़ खींचेंगे उतनी इजी हो, इतना ही आसान होगा आपको आईब्रो बनाने में और अच्छा सा शेप आएगा। और कोशिश कीजिए आईब्रो बनवाते टाइम जैसे ऊपर का जो हम लोग खींचते हैं तो ऊपर के हिस्से को ज़्यादा खींचे और नीचे के हिस्से को कम, उससे आपका आईब्रो अच्छे से क्लीन हो पाएगा, कहीं पे हेयर छूटेगा नहीं। नीचे से ज़्यादा हेयर की मतलब कस्टमर ऐसे खींच लेता है तो कई सारे हेयर उनके हाथों के बीच में रह जाती है और छूट जाता है, और फिर आईब्रो बनाने में भी दिक्कत होती है। तो आप ऊपर से ज़्यादा खिंचवाइए और नीचे से बस खिंचाव पड़े इतना खिंचवाना है। ओके, तो मैं फ्रंट से हेयर को इस तरीके से रिमूव कर रही हूँ और अच्छा सा आईब्रो को एक शेप दे दूँगी। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा ग्रोथ है इनके बालों का, हेयर का, सॉरी आईब्रो का। तो यहाँ से इस तरीके से अच्छी सी शेप देते हुए पूरे हेयर को रिमूव करेंगे। उस वाले आईब्रो पे आपको साइड का दिखाने था, यहाँ पे आपको अच्छे से दिख रहा है। ओके, नाइन मंथ की ग्रोथ है इनके आईब्रो की, 9 महीने की ग्रोथ थी जो इन्होंने आईब्रो बनवाई। तो अच्छे से मैं यहाँ पे क्लीन कर रही हूँ। जब तक आपको परफेक्ट शेप ना मिल जाए तब तक आप अच्छे से हेयर आईब्रो को बनाते रहोगे। अब किसी को पतला चाहिए, आपने आप जब स्टार्टिंग में बनाते हो तो चौड़ा ही आईब्रो बनाइए, फिर कस्टमर को आप दिखा दीजिए। अगर उनको पतला चाहिए तो वो बोल देंगे कि थोड़ा सा और पतला कर दो, फिर पतला करो। आपने स्टार्टिंग में ही पतला कर दिया तो हो सकता है कि कस्टमर को पसंद ना आए और वो बोलें कि मतलब थ्रेडिंग बिगड़ गई ये वो, इसलिए पहले आप चौड़ा आईब्रो बनाइए, उसके बाद से अगर वो कस्टमर बोलता है कि आप पतला कर दो तो आप पतला कर सकते हो। तो यहाँ से एक्स्ट्रा हेयर लग रहे हैं तो मैं यहाँ से रिमूव कर दे रही हूँ, और थोड़ा सा फ्रंट का दिक्कत लग रहा है तो यहाँ से और थोड़ा सा हेयर को रिमूव कर लेंगे इस तरीके से। ओके, अच्छी सी शेप देने के लिए। ओके, नोज के पास स्पेशली ध्यान दीजिए क्योंकि अक्सर हमारे हेयर यहीं पे छूट जाते हैं, और अगर आपको नोज के पास के हेयर को रिमूव करने में दिक्कत होती है बस आप ऊपर से हेयर को आईब्रो को ऐसे खिंचवा लीजिए और ईजिली आप नोज के पास के हेयर को रिमूव कर सकते हो। तो इनका आईब्रो लगभग ऑलमोस्ट डन हो चुका है। तो फाइनल लुक क्या था वो मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। तो ये देख सकते हो आप इनका फाइनल लुक।
तो कैसी लगी थ्रेडिंग आप लोग को ज़रूर बताएगा कमेंट बॉक्स में, और अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दें। तो आई होप आप लोग को इस तरीके की थ्रेडिंग बनाने में काफ़ी हेल्प मिलेगी, मेरा वीडियो देख के हेल्प मिली हो और वीडियो हेल्पफुल लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।